नमस्कार, डिजिटल खबरीलाल में आप सबका स्वागत है। ओडिशा के पूरी मंदिर में अगर आप जाने का विचार कर रहे हैं तो उसके पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि अब पूरी मंदिर में जाने के पहले अगर आपको पैकिंग करनी हो लगेज तो आपको ये वीडियो तो देखनी ही होगी, क्योंकि अब पूरी मंदिर में आप जब भी प्रवेश करेंगे आपको अपने ड्रेस कोड के लिए रखना होगा ख्याल, या फिर कह सकते हैं कि आपको बरतनी होगी सावधानी। पूरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक ये व्यवस्था अगले साल 1 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत श्रद्धालुओं को गरिमापूर्ण कपड़े पहनने होंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इसकी मांग काफी वक्त से हो रही थी। अब 1 जनवरी 2024 से यह व्यवस्था पूरी कड़ाई के साथ लागू होगी। अब आप पूरी मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको बरतनी होगी सावधानी कि आपने कहीं स्लीवलेस कपड़े या फिर शॉर्ट पैंट नहीं पहना। चलिए देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्था ली गई है नजर डालिए। जगन्नाथ मंदिर पुलिस और मंदिर के सेवादार नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी नजर रखेंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने बताया कि जगन्नाथ मंदिर के आने वालों को पारंपरिक कपड़े पहनने होंगे। शॉर्ट्स, फटी हुई जीन्स और स्कर्ट पहनकर आने वालों को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया जा चुका है। अब आपको बता दें इसके पीछे की कहानी कि अचानक क्या ऐसी मुसीबत आई कि पूरी मंदिर में ऐसी एक नियम चालू हुई है, तो इसके पीछे की स्टोरी जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखते रहिए। पूरी श्री मंदिर के सेवकों के संगठन दैतापति निजोग ने मंदिर में जाने वाले श्रद्धालु के लिए एक ड्रेस कोड की मांग उठाई थी। दैतापति निजोग ने शिकायत की थी कि मंदिर में कई लोग शॉर्ट्स पहनकर आते हैं, जिससे अन्य श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। निजोग ने मांग की कि जो भक्त वेस्टर्न कपड़े में यहां पहुंचते हैं उन्हें मंदिर में प्रवेश करने के लिए कपड़े बदलने चाहिए। वहीं मंदिर के वरिष्ठ सेवक विनायक दास मोहपात्र ने कहा कि पूरे जगन्नाथ मंदिर चार धामों के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पूरी आते हैं, इसलिए मंदिर की आध्यात्मिकता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी भक्तों के लिए एक ड्रेस कोड लागू करना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों में महिला श्रद्धालु सलवार और साड़ी पहनकर ही जाती हैं। आपने देखा कि क्यों और कैसे यह नियम लागू किया गया। अब आपको बता दें एक और बहुत ही जरूरी सूचना, और वो सूचना है कि अगर वो किसी बच्चे की उम्र 12 साल से कम तो ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं होंगे। जी हाँ, 12 साल से कम बच्चों के लिए ये नियम पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य तरफ अगर आप देखें तो बहुत ही अलग तरीके से मंदिर के तरफ से माइकिंग के माध्यम से बताया जा रहा है लोगों को इस नई ड्रेस कोड के बारे में। देश और दुनिया की और भी खबरों के लिए अपडेट रहने के लिए देखते रहिएगा डिजिटल खबरीला, खबरें आपकी नजर हमारी।